देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग। राजा बाबू नाम का ड्राइवर पिछले 15 साल से रोडवेज में नौकरी कर रहा था। आज सुबह वह सवारियों को बैठाकर निकला तो करीब 30 किलोमीटर दूर उसके सीने में अचानक दर्द हुआ। राजा बाबू ने कुशलता दिखाते हुए बस रोकी और यात्रियों के सारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचा। जब अधिकारियों को जानकारी हुई तो वह जिला अस्पताल लेकर आए, लेकिन रास्ते में ही राजकुमार की मृत्यु हो गई थी। शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामविलास है। क्या मामला है? सर मामला कुछ नहीं है, अभी सुबह ड्राइवर साहब को मैंने जगाया, ड्यूटी के लिए आया। मैंने तो तबीयत ठीक थी, जैसे ही मोखर इसने गाड़ी क्रॉस की तो ये गाड़ी स्लो चला रहा था। मैंने कहा क्या बात है भाई, लाइट नहीं चल पा रही क्या गाड़ी की, या गाड़ी में कोई कमी है? तो इन्होंने कहा कि मेरे सीने में दर्द है। तो मैंने कहा ऐसा करो, गाड़ी बैक कर लेते हैं या तो तिंदवारी ले चलते हैं। तो बस गाड़ी आपकी कहाँ से कहाँ जा रही थी? बांदा से लखनऊ जा रही थी। लखनऊ, गाड़ी नंबर क्या है आपका? UP 90T 55 18। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रामविलास है। और जो मृतक है उनका क्या नाम है? उनका नाम ड्राइवर का राजा बाबू है। ये रहने वाले कहाँ के? ये नदी की है, नदी पहला नहीं। ड्राइवर आया है, क्या है घटना? ये रोडवेज का ड्राइवर राजा बाबू हमारे यहाँ पर परिचालक रामविलास द्वारा लाया गया। बताते हैं सीने में अचानक दर्द हुआ है गाड़ी चलाते समय, और इन्होंने तिंदवारी में दिखवाया कि एसी में, और उन्होंने रिफर किया था, लेकिन जो अचानक इनकी रास्ते में डेथ हो गई। 100 को 100 ग्राम रखवा देंगे, पोस्टमार्टम में भेजेंगे। बांदा से संवाददाता विष्णु सिंह की रिपोर्ट, यूपी क्राइम न्यूज। आप देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग।